क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं पजीत फ्रॉम ITGC और स्वागत है आपका एक नए तरीके के वीडियो के अंदर, जो मैं और स्माइली ने सोचा कि हम लोग जो है कुछ नया ट्राई करना चाहिए चैनल के ऊपर। तो हमने ये आज ये न्यूज़ की एक ये खबर पढ़ी जिसके ऊपर हम अपने थोड़े से ओपिनियंस डालना चाहते थे कि हमारी सोच क्या है इसके बारे में। और मैं सोचता हूँ कि लोग जानने को बेताब होंगे कि पबजी पीसी जो है वो बैन हो चुका है। पबजी टेंसेंट नहीं, पबजी बाय ब्लू होल वो बैन हो चुका है चाइना के अंदर। हाँ तो दोस्तों, हम अब देखना चाहिए हमारे को कि क्यों बैन हो गया है और ये हमारे को ये खबर कहाँ से पता लगी है। तो ये हमने इस आर्टिकल का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसमें पबजी पीसी ही नहीं काफ़ी सारी गेम जैसे कि फोर्टनाइट, लीग ऑफ लेजेंड्स, वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, इन सब का इन लोगों ने बैन या फिर चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब आपको जो है वो आर्टिकल बस अभी दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों, हम जैसे कि देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी गेमों के नेम हैं जिसमें जिनको काफ़ी बैन ही कर दिया गया है आउटराइट, और कुछ गेम्स हैं जिसमें कुछ चेंजेस के इन्होंने रिक्वेस्ट करी है। अगर वो नहीं करेगा ये चेंजेस तो इन गेम्स को बैन कर दिया जाएगा चाइनीज़ मार्केट के लिए, और चाइना में इन गेम्स को खेलना अलाउड नहीं होगा। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ पबजी का पीसी वर्जन जो ब्लू होल इंटरएक्टिव ने बनाया है वो क्यों बैन कर दिया गया है। वो बैन इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें ब्लड और गोर बताया गया है जो प्रॉब्लमेटिक समझा जाता है चाइनीज वैल्यूज के हिसाब से, और उन्होंने उसे बैन कर दिया गया है। वही चीज उन्होंने फोर्टनाइट के साथ कही है कि इसमें ब्लड एंड गोर है और वल्गर कंटेंट है, इसी की वजह से इसको बैन किया है। वल्गर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वल्गर बड़ा वेग स्टेटमेंट है। मुझे इसी बात का ये डर लगता है कि ये वेग स्टेटमेंट के ऊपर जब किसी चीज को आउटराइट बैन कर दिया जाता है तो लॉज बड़े बहुत ही मिसयूज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो और देखते हैं कि H1Z1 भी बैन हो चुका है, रिंग ऑफ एलिसियम भी बैन हो चुका है, पैलेडिंस बैन हो चुका है, फ्री फायर बाय जी अरीना वो भी बैन हो चुका है, और क्वांटम मैट्रिक्स और नाइव्स आउट ये मैंने कभी आज तक खेले नहीं है, ये बैन हुए कि नहीं। गाइस, मेरे को अब एक कन्फ्यूजन है कि पबजी मोबाइल, क्योंकि इन्होंने पबजी टेंसेंट मेंशन नहीं किया है इस लिस्ट के अंदर, तो मेरे को लग रहा है पबजी मोबाइल जो है वो तो सेफ है अभी, वो बैन नहीं हुआ है, बट पबजी पीसी जो ब्लू होल का है वो बैन हो चुका है। तो गाइस, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या राय है इस चीज़ के बारे में। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ सही है कि ऐसे करके गेम को बैन कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है कि गेम्स जो है वो बैन नहीं कराने चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर? गाइस, और एक चीज मैं एक ऐड कराना चाहता था इस चीज के ऊपर से रिलेटेड है, और ओवरऑल गेमिंग इंडस्ट्री से कैसे रिलेटेड है, और ITGC को क्यों चिंता है इस चीज की वजह से। ITGC को इसकी वजह से चिंता है कि इस विषय से ज्यादा ही चिंता हुई कि हमारे को वीडियो बनाने की जरूरत बनी इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये जो है ना एक हार्मफुल प्रेसिडेंट सेट करता है, एक ये एक गंदा एग्जाम्पल सेट करता है कि भाई, क्योंकि इसमें एक वेग सेट ऑफ रूल्स लगा के जो किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी मीडियम के ऊपर, किसी भी माध्यम के ऊपर लगाए जा सकते हैं और बैन कर दिया जा सकता है, ऐसे चीज़ों पे जो बैन जो होते हैं जो कंटेंट को, वो हमें लगता है हमारी सोच में कि ये बात सही नहीं है और ऐसे नहीं होना चाहिए। और अभी भी हमारे जो देश रील वेबसाइट्स को कंटेंट को देखने के लिए बैन हुआ था, ये देखते हुए हमें लग रहा है कि आखिरी जो अलग स्टेप जो होगा वो इन गेम्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स जो होंगे वो परेशान हो रहे होंगे कि उनके बच्चे सारे दिन सिर्फ पबजी मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बच्चों के पढ़ाई और उनका जो है हैबिट्स गेमिंग की, वो एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर।
गाइज, अब आखिर में एक ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आप गेमिंग के फैन हैं और आप गेमिंग को पसंद करते हैं, आप मेरी तरह हैं या स्माइली की तरह हैं जो गेमिंग को फॉलो कर रहे हैं, या आपने अभी पबजी मोबाइल से ही गेमिंग के अंदर स्टार्ट करी है गेमिंग करना, तो गाइज मैं एक ये चीज़ का डर है मेरे को कि आगे जाके जो गेम्स हैं उनमें जो है चाइना की मार्केट को ध्यान रखते हुए गेम को ना बनाया जाए, क्योंकि चाइना में काफ़ी रूल्स हैं, कुछ काफ़ी लॉज हैं जो मेरे को नहीं लगता जो हमारे लिए वैलिड होने चाहिए। तो बस ये मेरा यही डर है कि जैसे कि अभी एक गेम है रेनबो सिक्स सीज, उसमें काफ़ी तरीके से सेंसरशिप हुई थी कि उसमें काफ़ी जगह खोपड़ियाँ, स्कल्स बना रखी थी एक मैप के अंदर, उनको हटा दिया गया क्योंकि वो इमेजरी अलाउड नहीं है चाइना में। और एक जगह में एक एक लड़की की नाचती हुई की एक फोटो थी जिसको हटा दिया गया क्योंकि वो चाइना में इस चीज़ के ऊपर शिकायत थी। तो गाइज मेरे को लगता है कि अगर हम गेम्स के अंदर अपने आप को फ्रीडम से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और चाइना के हिसाब से आगे गेम्स बनेगी, तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। सो गाइज, इसी के साथ मैं ये जो छोटा सा एक शॉर्ट न्यूज़ अपडेट था ये मैं एंड करना चाहूँगा। तो गाइज, अगर आपको ये कंटेंट अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस पे लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अगर नहीं पसंद आया तो जो दूसरा बटन है वो भी दबा दीजिए करेगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल जानना चाहता हूँ कि ऐसा कंटेंट आप इंडिया के अंदर यूट्यूब के अंदर आप देखना चाहेंगे, हाँ या ना। तो इसी के साथ मैं आपसे नमस्ते कहता हूँ एंड बाय।